आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रयासों से हल्का पठानकोट के अधीन पड़ते गांव मिर्जापुर से छन्नी मुकीमपुर लिंक रोड का निर्माण कार्य शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचे आप नेताओं का विशेष रूप से धन्यवाद किया। इस दौरान एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता व हल्का कोऑर्डिनेटर विकास सैनी ने बताया कि लगभग 1.5 किलोमीटर का ये रोड मंडी बोर्ड द्वारा बनवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि आजादी के बाद अब इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसके लिए वे पंजाब की आप सरकार का विशेष रूप से धन्यवादी हैं। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक प्रबोध काटल ने समूह गणमान्यों के साथ ही मामून इंचार्ज विशेष शर्मा व आप नेता अर्जुन का भी विशेष रूप से धन्यवाद किया। मौके पर चेयरमैन कैप्टन सुनील गुप्ता व कोऑर्डिनेटर विकास सैनी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से ध्यान देते हुए शिक्षा और सेहत पर भी फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हल्का पठानकोट निवासियों के समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या पेश नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर उनके साथ सरपंच विनोद कुमार छन्नी मुकीमपुर, मनोहर लाल सरपंच एमा चांगा, बोध राज सरपंच अवादगढ़, सरपंच जनक राज ब्यासलारी, राजू सिंबली गुजरा, पूर्व सरपंच जगदीश राज मिर्जापुर के अतिरिक्त अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे। अज असी विलेज मिर्जापुर दे विच खड़े हैं। मेरे नाल पठानकोट हलका दे कोआर्डिनेटर विकास सैनी जी, डिस्ट्रिक्ट इवेंट इंचार्ज प्रबोध काटल जी, मुकीमपुर छन्नी दे सरपंच विनोद जी ते दूजे पिंडां दे सरपंच जिहड़े इत्थे मौजूद ने। इत्थे जिहड़ी असी आए हैं ये अज सड़क बन रही है इत्थे मुकीमपुर मिर्जापुर टू मुकीमपुर और इहदा उद्घाटन करन लई आए हैं। असी ये सड़क जिहड़ी है पहली बार बन रही है पिछले 70 सालां चों। ये अपना जिहड़े चीफ मिनिस्टर साडे ने भगवंत मान जी उहनां दे निर्देशां अनुसार जिहड़ी है ये सड़क बन रही है। इहदे ते किन्नी लागत आ रही है? तकरीबन 8 करोड़ रुपया विच। अगे ब्रिज भी बनया, इहदे ते लागत आ रही है। और मैं सारे पिंड वासियां नूं बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना भी 70 सालां बाद जिहड़ा ये सरकार ने ये स्टैप लिया और सड़क बनाई है। ये सड़क ते पहलां बड़े खड्डे सीगे, बरसात दे दौरान जिहड़े सीगे अपने भर जांदे सी खड्डे और हादसियां नूं न्यौता दिंदे सन। हुण मैं ये जिहड़ा सारा काम है ये अपने साडे विकास सैनी ते छन्नी मुकीमपुर दे अपने सरपंच विनोद जी दी रहनुमाई च होए ने। इन्हां ने सारा प्रयत्न कीते ने ते ये सड़क जिहड़ी है बनी है। जाके मैं इन्हां नूं बहुत बहुत इन्हां दा धन्नवाद करदा ते पिंड वासियां नूं एक बारी फिर बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। सारिआं नूं बहुत बहुत एक बारी बहुत मुबारकबाद दिंदा। धन्नवाद। मैं सारा पहला तो प्रेस का बहुत धन्यवाद करदा कि वह अपना कीमती समय लैके इतने आया। अज बड़ा खुश मतलब बड़ा खुशी का दिहाड़ा कि कई साल 70 सालों बाद सड़क बन जा रही है और साढ़े बिच इस वे पंजाब एक्स सर्विसमैन के चेयरमैन श्री कैप्टन सुनील गुप्ता जी ने अपना कीमती समय कढ़ के साढ़े नाल इतने आए हैं। उन्होंने नाल सारी टीम भी इतने नाल आई हुई है। उन्होंने नाल साढ़े डिस्ट्रिक्ट इवेंट इंचार्ज प्रमोद काटल जी, ममून तो इंचार्ज विशेष शर्मा जी, उन्होंने नाल साढ़े अर्जुन जी और सारे लागे पिंडा दे सारे सरपंच साहिबान, छन्नी मुकीमपुर तो विनोद जी, एमा चांगा तो साढ़े बड़े आदरणीय मनोहर लाल जी, ब्यास लाड़ी तो साढ़े जनकराज जी, की कहते सिमली रइया तो रमेश जी, सिमली गुजरा तो राजू जी, अगर किसी का नाम लैना मैं भुल गया तो एमा चांगा तो बोधराज जी, इत्थे सारे ने अपना कीमती समय कढ़ के आया। सारे नालों वड्डी गल यह है कि पिछले 70 सालों तो जी मिर्जापुर तो मकीनपुर रोड जाती सी, कभी भी दे उत्ते लुक जा किसी तरह डिवेलपमेंट का काम नहीं हो सकया। बहुत लोगों ने कष्ट झेले आ। 8 तो समथिंग करोड़ का टेंडर सीगा जिदे विच एक ब्रिज जाने के जिहड़ा मकीनपुर छन्नी और मकीनपुर के दो पार्ट सीगे विच दरिया सीगा उधर पिंड से जाने लिए फरीदानगर तो बाद वालों घूम के आना पैदा सीगा। और ब्रिज बनन दे नाल लोगों को बहुत सहूलत हो गई है, प्लस रोड बनन दे नाल लोगों को बहुत सहूलत है। अभी अपने आदरणीय श्री भगवंत मान सीएम साहब का बहुत आभारी हाँ। आप चाहते हैं कि इस तरह के काम अगे होंदे रहने चाहिए क्योंकि नेसेसिटी है, रूरल डिवेलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। इन्हों की तरक्की के नाल ही देश की तरक्की जुड़ी है। पिंड खुशहाल से असी लोग खुशहाल हाँ। और एक चीज़ होर मैं कहना चाहना कि मेरे माध्यम राही मैं दसना भी चाहना कि पिछले दिनों
ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਦਾਵਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਜੀ, ਬੋਧ ਕਾਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਈਵਨਿੰਗ ਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਕਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਕਮਲ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇ ਜੀ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, AMI ਨਿਊਜ਼, ਪੰਜਾਬ। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से, मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से, मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से, मनचंदा टावर ढलोजी रोड। जी सिंह है और मैंने ये पठानकोट में डिफेंस रोड पे शोरूम खोला है RPM के नाम से। St. Thomas Senior Secondary School offers supportive and inspirational environment for young inquiring minds to learn and grow with us. Our passion for learning means we achieve more than outstanding results. We strive to build confident and creative thinkers and aim at delivering an education that is truly relevant to their future. We aim at inspiring our students to dream more, learn more, do more, and become more in their respective journey of life.